राजस्थान में इंडियन एयरफोर्स करने जा रही है रैली, और ये बड़ा ही बेहतरीन मौका है राजस्थान उन कैंडिडेट्स का जो इंडियन एयरफोर्स में इंटरेस्टेड है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धवन और आज मैं बात करूंगा इंडियन एयरफोर्स के नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि आपको बहुत बेहतरीन मौका देता है इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का। हाँ जी दोस्तों, ये रैली स्पेशली फॉर राजस्थान के स्टूडेंट के लिए है। दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूँ नोटिफिकेशन में क्या आया है। यस, इस रैली का नोटिफिकेशन आज आखिरी दिन है। यस दोस्तों, आखिरी दिन से मतलब आज सितंबर 28 है, ये 27 से 28 के लिए थी। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है केवल टेक्निकल लोगों के लिए। यस दोस्तों, ये ग्रुप एक्स के लिए है, बाई के कैंडिडेट्स को अभी वेट करना होगा, उनके लिए इस रैली में कुछ नहीं है। दोस्तों इस रैली को कंडक्ट करने का उनका एक सिस्टम है, वो एक दिन में 175 स्टूडेंट्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले करना है कि 27 से 28 सितंबर को ये एक आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें कि आपको मेरिट बेस पर एडमिट कार्ड मिलेगा। जिन स्टूडेंट की परसेंटेज अच्छी है, उम्मीद ये की जा रही है कि 70 से ऊपर जिन स्टूडेंट की परसेंटेज है उनका एडमिट कार्ड इजिली मिलना चाहिए। कॉम्पिटिशन कम है क्योंकि राजस्थान लेवल का एग्ज़ाम है, राइट। साथ में इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, जिन लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाएगा उनका एग्जाम डेट ये 9 अक्टूबर से 19 अक्टूबर को दे रहे हैं, जिसमें से इन्होंने 14 अक्टूबर की छुट्टी रखी है। इसका मतलब दो हिस्से किए हैं इन्होंने उस एग्जाम में। दोस्तों एग्जाम की अब तक जानकारी ये निकल के आ रही है, सुबह से ही फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम्स होगा। और ये एग्जाम उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनका जन्म 17 जनवरी 2000 से 30 दिसंबर 2003 के बीच हुआ है। यस दोस्तों, इसमें आप अपनी एज को चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपको अगर एलिजिबल हैं तभी आप इसमें आप भाग ले सकते हैं। चौथे पॉइंट नोटिफिकेशन में दिया गया है क्वालिफिकेशन, कौन से स्टूडेंट होंगे जो इस एग्ज़ाम को भरेंगे। दोस्तों अगर आपको इसमें इंटरेस्टेड है तो आप 12वीं पास होने चाहिए PCM से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ, जिसमें 50% नंबर आपके 50% से ज़्यादा नंबर होने चाहिए आपके इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ दोस्तों इसी के साथ मेडिकल स्टैंडर्ड आप ऑलरेडी पता ही है आपको, कि आपका चेस्ट कितना होना चाहिए, आपका वेट हाइट कितनी होनी चाहिए, जो आपको ऑलमोस्ट पता होता है मेडिकल के लिए लिहाज से ये आपका होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लेना चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांगे जाते हैं वो आप अपने साथ में लेके जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड की आपके पास कॉपी होनी चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, शार्पनर होना चाहिए, रबर, एक बॉल पेन, ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, जैसे जनरली एग्जामों में अपन लेके जाते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स की आपके पास ओरिजिनल एंड फोटो कॉपीज़ होनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंटों का सवाल होता है सर सीक्वेंस ऑफ एग्ज़ाम्स क्या होगा, क्या चीज़ें पहले होंगी। तो जैसा कि आप सब जानते हो, सबसे पहले फिजिकल होता है। यस, फिजिकल फिटनेस टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर, यस दोस्तों 1.6 किलोमीटर 6.30 मिनट में, 6.5 मिनट में आपको पूरी करनी पड़ती हैं, जिसमें आप 10 पुशअप, 10 सेटअप और 20 स्क्वेयर्स आपको लगाने होते हैं। ये बहुत आसान है, छोटी उम्र के स्टूडेंट के लिए बहुत इजीली कर पाते हैं। हाँ दोस्तों, टाइम कम है इसलिए आप रेस की प्रैक्टिस अभी से कर सकते हो, जो कि बहुत ज़रूरी है। 10-15 दिन मिलते हैं जिसके अंदर आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा सेम डे होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, उसी दिन में होना है। आंसर्स आपके OMR शीट पे होते हैं, जैसा आप पहले से जानते हो ऑफलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन नहीं होगा जैसा बताया जा रहा है। रिटन टेस्ट के लिए आपको 1 घंटा दिया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं तो इसके लिए आपके लिए कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप गलत जवाब देते हो तो नेगेटिव मार्किंग है 1.25 एक क्वेश्चन के लिए आपका काट लिया जाएगा। जी हाँ, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये नेगेटिव मार्किंग है, जो नहीं आता उसे छोड़ने में भलाई है। मैंने कई बार आपको क्लासेस में समझाया है, उम्मीद करता हूँ आप इसका ध्यान रखेंगे। जो कैंडिडेट एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे उसके बाद आपको एक रागा होता है, और जिसमें बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीजनिंग से और साइकोलॉजी से। साथ में ही यहाँ ग्रुप डिस्कशन के लिए भी बात की जा रही है, सेम डे आपका ग्रुप डिस्कशन होना है। हालांकि ये चीज़ बहुत दिनों में दोबारा हो रही है तो मैं निश्चित नहीं कह सकता कि प्रोसीजर क्या हो सकता है, लेकिन कई बार मैंने अपने पुराने दोस्तों से बात करने के बाद मुझे पता लगा है कि एक ही दिन में सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ के जाइए ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं रहे। दोस्तों समय कम है इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट कीजिए, जो भी टीचर आपके आसपास हैं उनसे मिलिए और सबसे ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए अपना सेल्फ स्टडी के द्वारा। भविष्य में आने वाले एग्जामों के बारे में भी जानने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं डेफिनेटली आपको एक वीडियो बनाकर उसको समझा दूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में।